इस क्वेश्चन को रीड कर लो, पॉज करके रीड कर लो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करें। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में दो बॉडीज हैं, ठीक है, एक बॉडी है ये m और दूसरी बॉडी है 9m, करेक्ट है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो दी हुई है क्वेश्चन में r, कैपिटल r, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है ऑन अ लाइन ज्वाइनिंग द बॉडीज वेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल टू जीरो। एज्यूम करो कि यहां पर कोई पॉइंट है P, यहां पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल, ग्रेविटेशन फील्ड जो है जीरो है, ठीक है। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल यहां पर क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। तो आपको पता होगा ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी दोनों ही सेम चीज है। उसको आई से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू कितनी होती है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। जैसे अगर अर्थ के केस में ये वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाती है, इसको जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर लिखते हैं या आर ई स्क्वायर लिख दो, ठीक है। तो जैसा अर्थ के केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो चीज होती है, वही किसी भी मास के केस में, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या ग्रेविटेशनल फील्ड सेम चीज है, उसकी वैल्यू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि इस मास, पहले मास की वजह से, पहले मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आई वन है, उसका डायरेक्शन इनवर्ड होगा क्योंकि मास है, ठीक है। और दूसरे मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू या ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू आई टू होगी। दोनों की वैल्यू इंडिविजुअली निकालें तो कितना होगा, जी एम वन अपॉन, ये डिस्टेंस कितनी एज्यूम कर लें, ये आर है यहां से यहां तक डिस्टेंस, तो ये आर हो, आर स्क्वायर हो जाएगी। इसका मास है एम वन कहो या एम कहो, चलो इसको मैं इसको इरेज कर देता हूँ, एम वन को इरेज कर देता हूँ, ठीक है, एम कह देता हूँ, ठीक है। और इसकी वजह से आई टू की वैल्यू क्या होगी, होगी जी इंटू नाइन एम अपॉन, ये डिस्टेंस हो जाएगी आर माइनस स्मॉल आर, आर माइनस स्मॉल आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ वैल्यू जीरो है, ये भी ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये भी ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड इस मास ने बनाई, ये ग्रेविटेशनल फील्ड इस मास ने बनाई, दोनों का नेट वैल्यू यहां पर जीरो है पी पॉइंट पे, यानी आई वन इक्वल टू आई टू। तो ये हो जाएगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी इंटू नाइन एम अपॉन कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर होल स्क्वायर। एम से एम कट जाएगा, जी से जी कट जाएगा, ये कितना आएगा, वन बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन बाई आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन, ठीक है, लिख सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं फिर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर अपॉन आर इज इक्वल टू थ्री, या आर माइनस आर इज इक्वल टू थ्री आर, या आर इज इक्वल टू फोर आर, स्मॉल आर इज इक्वल टू नाइन बाई फोर होगा। तो अगर स्मॉल आर नाइन बाई फोर है तो आर माइनस स्मॉल आर कितना होगा, आर माइनस आर बाई फोर इज इक्वल टू थ्री आर बाई फोर होगा, होगा करेक्ट है। अब कह रहा है कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल यहां निकालना है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल पी पॉइंट पे निकाल लो। पहले मास की वजह से ग्रेविटेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है माइनस जी एम अपॉन आर, ये होता है। तो पहले मास की वजह से पी पॉइंट पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल कितना होगा, माइनस जी एम अपॉन स्मॉल आर माइनस जी नाइन एम अपॉन कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो पी पॉइंट पोटेंशियल फाइंड आउट करें, देखो ये हो जाएगा स्मॉल आर की वैल्यू आर बाई फोर, करेक्ट, माइनस नाइन जी एम बाई थ्री आर बाई फोर, कटेगा कुछ देखो जरा, थ्री से थ्री ये हो गया माइनस फोर, माइनस माइनस फोर, माइनस फोर जी एम बाई आर माइनस ट्वेल्व जी एम बाई आर, ये हो जाएगा माइनस सिक्सटीन जी एम बाई
आर हो जाएगा पी पॉइंट पे पोटेंशियल, तो ऑप्शन कौन सा सही है, ये वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।